सरन साहब, जिस तरीके से मनीषा प्रकरण देखने को मिल रहा है, सुनने को आया, पहले तो ये लगा कि चार आरोपी जो है उन्होंने उसको रेप करके हत्या कर दी गई, लेकिन अब जो दूसरा मामला बनता नजर आ रहा है, जिस तरीके से घुमाव दिया जा रहा है कि उसमें प्रेम प्रसंग था और उस जिसके कारण उसको मार दिया गया या जो भी है, इधर की उधर बातें घुमाई जा रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? नमस्कार। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में डॉक्टर एसआर सरन मनीषा के जो कांड पे हाथरस वाले में जो बोला पूछा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, न्याय के ग्वार पे नहीं है। आदित्यनाथ योगी को मालूम पड़ रहा है कि मुझे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तो डर के वजह से वो उन्होंने उस गांव में एसपी पे दबाव बना करके ऐसी रचना की जा रही है, ताकि जब उस लड़की के लिए कहा जा रहा है कि लड़की का लव प्रेम था मेरा, मान लीजिए काफ़ी दिन से ये बस डिस्कशन चल रहा था, तो जिस दिन ये हत्या हुआ था तो उस दिन उन्होंने उजागर क्यों नहीं किया गया था? इससे ये साजिश है। आप जिस प्रकार से अभी आप इसको साजिश करार दे रहे हैं, मगर वहाँ जो पंचायत है, जो पीड़ित लोग हैं, इस समय जो आरोपी हैं, उनके पक्ष में भी कई ठाकुर लॉबी इकट्ठी हो चुकी है और वो ये कह रही है कि इन्होंने बिल्कुल भी आरोपित नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको फंसाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो गलत है, ये तो पोस्टमार्टम ने रिपोर्ट बनाई गई है, अब सरकार उनकी है, वहाँ के सीएमओ मतलब जो है पुलिस प्रशासन जो है बिका हुआ है, डर के मारे कुछ भी कह सकते हैं, डर के मारे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है तो वो सूखा को गीला बताते, गीला को सूखा बताते, लेकिन दलित समाज वहाँ वंचित इतना पिछड़ा हुआ है, गरीब परिवार का इतना डरा हुआ है कि जो दहशत उनके अंदर पैदा करी गई है कि उसे ऐसे नहीं तो ऐसे कहा जाए ताकि हमारे उनकी जान बच जाए कि एक ही गांव का मामला है, लेकिन वो गलत है। सरन साहब, क्या लगता है आपको कि देहात में, अगर शहर का मामला होता तो समझ में आता है कि दलित और सवर्ण में प्रेम प्रसंग हो सकता है, लेकिन क्या देहात एरिया में भी ऐसा संभव है जहाँ पर लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, उनका मोहल्ला अलग होता है और उनके रहन सहन सब अलग होता है, लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग था, तो ये बात कहाँ तक आपको है? गलत है। देहात में एक दूसरे को देख के जो चारपाई पे नहीं बैठने देते दलित लोगों को, हम कैसे मान ले कि वो वहाँ की मतलब ये कहानी है? ये गलत है। देहातों में मामला ये चल रहा है, जैसे अभी भी चल रहा है ऑलरेडी, ये तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन उसमें ऐसी विभाजन पैदा कर दी गई है ताकि उनकी बुद्धि का विकास ना हो पाए और उनमें आपस में फूटता बनी रहे, संगठन ना बन पाए, ताकि हमारे लोगों के लिए कोई दबाव ना बनाया जा सके। आपको क्या लगता है कि जो लड़के हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रच रहा है? बिल्कुल, ये बचाने के लिए षड्यंत्र है। वहाँ के डीएम और एसपी को ये सोचना चाहिए कि अगर उनकी बहन बेटी अगर होती, उनके दिल पे हाथ रखते तो उन्हें पता लगना चाहिए, तो उनको सोचना चाहिए इस बात के लिए। ये तो आईएएस अफसर का मतलब ये तो करना नहीं चाहिए, उनको निष्पक्ष चाहिए जांच, सीबीआई की जांच जो मांगी जा रही थी उनको निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन इस समय जो है केंद्र सरकार और यूपी सरकार मौन धारा बनाई हुई है। कारण ये कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका नारा बिल्कुल विफल हो रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं कामयाबी नहीं मिलती दिखाई दे रही है, लिहाजा वो इसी तरीके से दबाव बना रहे हैं कि हर हालत में ये मामला उल्टा किया जाए, लेकिन उल्टा होना ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है सरन साहब, बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या उत्तर प्रदेश में वो ये कह रहे हैं कि भाजपा से अपनी बेटियां बचाओ? नहीं, देखिए बाबू ये कहते, वो ये नहीं कहते, वो बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा विफल हो रहा है ना, नाला इसमें सही नहीं चल रहा है। जो नाला है उनका, जो नारा है, नारा ये भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा साबित नहीं हो रहा है। वहाँ पर बेटियों की इस तरीके से साजिश की जा रही है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, महिला वहाँ कतई किसी भी तरह से सुरक्षा नहीं हो रही है, किसी पुलिस प्रशासन और आईएएस अफसर लोग जो हमारे जो है बिल्कुल लूज बैठे हुए हैं, माननीय प्रधान गवर्नर आदित्यनाथ योगी जी बिल्कुल मौन धारण हो चुके हैं। 19 महामारी के चक्कर में सबको कोरोना का डर ऐसा सता रहा है, लेकिन वो कोरोना तो है नहीं, लेकिन मास्क लगाने के बाद में ये अत्याचार और फैलाए जा रहे हैं। क्या कारण है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं इस तरीके के रेप कांड हो गए, घेर के मारने के कांड हो गए, जिस मर्जी को उत्पादित करना, प्रताड़ित करना बीजेपी की एक मंशा बनती जा रही है, क्या वजह हो सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है
वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचाई जा रही है, और जहां कांग्रेस की सरकार वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब किसानों के मुद्दा को लेके जो लोग चल रहे हैं कि किसानों के जो मुद्दा ये सही है, लेकिन सही कहां से है? हमें सब तो नहीं सही आ रही है, हम तो उसके विरोध में कर रहे हैं कि मतलब जो किसानों का मुद्दा सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से हाथरस प्रकरण चल रहा है, मनीषा को न्याय मिल पाएगा? नहीं, देखिए बात ये है, वहां से तो नहीं मिल पाएगा। वो अगर वो सीबीआई का जांच है, सीबीआई तरीके से उनके जो है, अगर वो नहीं न्याय मिले तो राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी सड़क पर लेकर के उसको न्याय, उसके परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करूँ। बिहार में अभी नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, हाल फिलहाल में नॉमिनेशन भी भर दिया गया है, क्या जनता को कहेंगे कि बीजेपी जो सरकार इस तरीके से हर मामले में विफल रही है, वो चाहे कोई भी मामला हो, रोजगार का मामला हो, कामगार का मामला हो, न्याय का मामला हो, व्यापार का मामला हो, हर जगह जो है ये सरकार विफल रही है, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए बिहार के दिमाग, बिहार की जनता का दिमाग का संतुलन खो बैठा है। वहाँ की जनता सोच रही है कि जो छोटी मोटी वहाँ पार्टियाँ हैं उनको लालच दे करके भड़काती है, लेकिन जनता वहाँ बिहार की जो जनता ये बौखला चुकी है कि जो पार्टियाँ हमें फंड देगी मैं उनके फंड से ये चुनाव लड़ेंगे, जो बंदा फंड 5 साल कर देगा तो तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए हम तो वही जरूरत है, वहाँ की मानसिकता उनकी खो बैठी है। बिहार की जनता इस बात के लिए कामयाब नहीं है, वहाँ लालच दिया जा रहा है कि हमारी पार्टी पैसा फंड देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। जो बंदा फंड मांग रहा है, अरे पहले पार्टी का एक रजिस्ट्रेशन पंजीकृत हुआ हो जाता है, इलेक्शन चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश जो होते हैं, पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर इसके बाद में विचार विमर्श किया जाता है, फिर उनको टिकट दिया जाता है, टिकट नॉमिनेशन लेने के बाद जब सिंबल लेके जब आते हैं तब तो उनका फर्ज बनता है कि सर मुझे कुछ खर्चा पानी तो दिया जाए जिससे पंपलेट बैलेट पेपर जनता के सामने जा सके। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम तो यही देखा रहे कि राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी ये इस बात का विरोध करती है कि चाहे हमारी पार्टी हो चाहे किसी की भी पार्टी है, ये प्रलोभन नहीं देना चाहिए। अगर बिहार की जनता का अगर विकास करना है और वहाँ के विकास को देख करके उसका कार्रवाई करना है तो नीतीश कुमार और ये तेजस्वी प्रसाद, हर प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी, सारी पार्टियाँ जो लालच देती हैं वो इसीलिए कामयाब नहीं हो पाती है। पूर्ण संघ वहाँ जो है गठबंधन से सरकार ही क्यों बनती है, पूर्ण सरकार किसी की नहीं बनती। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे निकल के आता है कि अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं है और बीजेपी की तरफ से जो IT सेल है उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो 151 सीट जीतने जा रहे हैं, क्या वजह होगी? उनकी EVM मशीन की दम पे उन्होंने 350 की सीटों की घोषणा पहले भी की थी लोकसभा में और उनका वो मुद्दा पूरा सही हो गया था, तो EVM से ये सिद्ध होता है। लेकिन वहाँ की जनता सोच नहीं रहा, हम तो इस बात के लिए कह चुका हूँ कि EVM की जगह अगर उनके अंदर 151 की दम है तो EVM मशीन से अलग रख के बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, उनके औकात का पता लग जाएगा कि मेरे 151 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अपने पता चल जाता। ये EVM उनके एक रिश्तेदार बोले चुनाव आयोग बैठा हुआ है जिसकी वजह से वो दम से कहते हैं कि मेरी 151 आ जाएगी, उन्हें पूर्ण विश्वास होता है। इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि EVM में हर जगह गड़बड़ हो रही है, हर जगह जल्दी चली आ रही। मैंने तो इसका पहले ही विरोध किया था, लेकिन सभी पार्टियां विरोध करना नहीं चाहती हैं। राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी का जनता साथ दे तो EVM की मशीन को मैं दावे के साथ कहता हूं बिल्कुल बंद करा सकता हूं, इसमें कोई चैलेंज नहीं। उन चुनाव आयोग कितनी भी ताकत लगा दे, ना मुझे राष्ट्र का डर है, ना मुझे किसी का डर है। मैं निष्पक्ष चुनाव आयोग से ये घोषणा करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि अगर इनका चुनाव सक्षम है तो EVM मशीन एक लगा कर रखे, बैलेट पेपर से चुनाव करें, तब इन्हें पता चल जाएगा दूध का दूध पानी पानी, तब 151 दिखा दे मान लेंगे कि हम की 151 आ जाएंगे सीटें। उन मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो वोट तो किसी और को देते हैं और जीतता कोई और है? देखिए EVM मशीन की गड़बड़ी है, जब वो खूब जानते हैं कि मतलब हमने वहाँ साइकिल मोहर लगाई, हमने उसमें हाथी मोहर लगाई, हमने बामल लगाई, लेकिन बटन तो वो हुई दबती जाके, वो EVM का बचा मामला है। हम तो पहले ही कह चुके हैं EVM मशीन ही गड़बड़ करती है हर जगह। जब तक चुनाव आयोग अपने निष्पक्ष कलम की पावर यूज नहीं करेगा तब तक लोकतंत्र के लोकतंत्र का जो है मतलब जो सफलता नहीं मिलेगी। ये लोकतंत्र नहीं है, षड्यंत्र रास्ता है। एक सवाल बोल यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ जो मना, ये EVM मशीन के लिए जो आपने कहा कि मतदाताओं के लिए क्या होना चाहिए, मेरा विचार तो ये है कि राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी अपील करती है कि अगर जिस दिन ये माहौल गड़बड़ होता है कि बटन हमें कहाँ लग रही है, वहाँ बटन नहीं पहुँच रहा है वोट, तो उसी टाइम उस मशीन को उठा के
तोड़ देना चाहिए, मेरी ये अपील है जनता से। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।